आज के वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेट के एप्लीकेशंस यानी कि अनुप्रयोग के बारे में। इंटरनेट का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसे कि आप सभी जानते हैं इंटरनेट का प्रयोग बहुत जो है आज के समय में बहुत बढ़ गया है। आप हमारे वीडियो देख पा रहे हैं वो भी इंटरनेट की सहायता से ही देख पा रहे हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बनाया गया है जिससे आप घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट ने जो सारी दुनिया है उनके बीच में जो लोग हैं उनकी दूरियों को बहुत कम कर दिया है। अब आप कहीं पर भी बैठे हैं और आप हमको सुन पा रहे हैं, आप हमारी वीडियोस देख पा रहे हैं, हम हमारे वीडियोस के माध्यम से कुछ ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, ये इंटरनेट के कारण ही संभव हो पाया है। तो सबसे पहले अगर बात करें एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट की, तो इसमें आता है सबसे पहला कम्युनिकेशन। इंटरनेट के माध्यम से संपर्क करना आसान और तेज और सस्ता हो गया है। इंटरनेट में ईमेल, चैट आदि टूल के द्वारा हम एक साथ एक से अधिक व्यक्तियों से बात कर सकते हैं। इसके बाद बात करें एजुकेशन की, तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है कि आप इंटरनेट के माध्यम से एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। इंटरनेट के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव आए हैं। व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से किसी बुक को या कहीं से भी किसी भी टॉपिक को, इंफॉर्मेशन को आसानी से देख सकता है। इसके अलावा वर्चुअल क्लास के माध्यम से घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकता है, जो अभी आप कर रहे हैं। इसके बाद बात करें बिजनेस की या व्यापार की। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार के क्षेत्र में क्रांति आई है। इंटरनेट के द्वारा किसी भी व्यापार को एक बड़े स्तर पर किया जा सकता है। इंटरटेनमेंट सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी मूवी को डाउनलोड करना, गाने सुनना, ऑनलाइन शो देखना, ये सारी चीजें आप इंटरनेट के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। मेडिसिन की बात करें तो आपको दवाइयों से रिलेटेड जानकारी चाहिए है, तो इंटरनेट जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी इंटरनेट जो है बड़े बड़े स्टेट पे यूज किया जा रहा है। जैसे किसी मरीज की रिपोर्ट को भेजना है या किसी बीमारी से रिलेटेड आपको जानकारी देखनी है कि इसके क्या क्या उपाय हैं, कौन सी इसमें मेडिसिन लगती है, किसी मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी सर्च करनी है, आपको इंटरनेट पे ये सारी जानकारियां आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद बात करें शॉपिंग की, तो आजकल मैक्सिमम लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे आप शॉपिंग की जा सकती है, चाहे वह कोई भी सामान हो या कोई भी प्रोडक्ट हो। बहुत सारे फायदे होते हैं, आपको मार्केट में जाकर चीजों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे इंटरनेट पे उस चीज को एक जगह पर बैठ कर भी सर्च कर सकते हैं और उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अब वो प्रोडक्ट लेने आपको नहीं जाना होगा, वो प्रोडक्ट खुद आपके पास चल के आएगा। तो इंटरनेट ने आज की दुनिया को बहुत आसान बना दिया है, आज के लोगों को बहुत जागरूक बना दिया है, और इंटरनेट के कारण से बहुत सारी चीजें जो है सरल हो चुकी हैं।